आज हम बात करेंगे एक बड़ी और खुशी की खबर को लेकर। कोरोना की तरह ही लंपी वायरस पर जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है। लंपी वायरस के आंकड़े किस तरह से घट रहे हैं उस पर बात करेंगे। साथ ही डंपिंग यार्ड को लेकर कलेक्टर ने नगर निगम आयुक्त को तलब किया तो क्या कहा ये भी बताएंगे। साथ ही पुष्य नक्षत्र में आज बाजार का माहौल कैसा रहा ये भी बताएंगे। नमस्कार, मैं हूँ भावना व्यास। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। उदयपुर की सुरक्षा व्यवस्था अब शहर की सबसे पुरानी हेरिटेज बिल्डिंग से संभाली जा सकती है। चर्चा है कि एसपी व आईजी ऑफिस अब सूरजपोल स्थित फतेह मेमोरियल से संचालित होगा। इसको लेकर आईजी प्रफुल्ल कुमार व एसपी विकास शर्मा व सूरजपोल थानाधिकारी आदि ने हेरिटेज बिल्डिंग का जायजा लिया। इस संबंध में पर्यटक उपनिदेशक शिखा सक्सेना के साथ पुलिस के अधिकारियों ने कुछ घंटों तक चर्चा की। आपको बता दें कि सूरजपोल की फतेह मेमोरियल 100 से भी ज्यादा साल पुरानी है। हालांकि इसको आगे क्या कुछ होने वाला है उसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव परिणाम आने की संभावना है। लंपी वायरस का कहर अब धीरे धीरे कम होता नजर आ रहा है। ऐसे ही चलता रहा तो इस महीने तक हम इस पर जीत हासिल कर लेंगे। लंपी वायरस का असर कम होने से पशुपालकों में जो डर था वह भी लगभग समाप्त होता दिख रहा है। प्रशासन की ओर से बनाए गए आइसोलेशन सेंटर में 28 सितंबर के बाद एक भी संक्रमित गाय नहीं आई है, जो कि राहत की खबर है। चिकित्सा विभाग के आंकड़ों के अनुसार 1.5 माह पहले हर दिन 3,000 संक्रमित गाय आ रही थी, लेकिन अब 50 से भी नीचे है। सोमवार को सिर्फ 42 गाय संक्रमित मिली, साथ ही मौतों का आंकड़ा भी घटता जा रहा है। उदयपुर जिले में अब तक 74,378 गाय संक्रमित हुई, जिसमें से 48,469 पूरी तरह से ठीक हो चुकी हैं। शेष करीब 25,000 अच्छी स्थिति में रिकवर कर रही हैं। चिकित्सा अधिकारियों का कहना है कि संक्रमण के लिए गोट पॉक्स वैक्सीन कारगर साबित हुई। पंडित दीनदयाल नगर स्थित डंपिंग यार्ड को लेकर लोग विधायक फूल सिंह मीणा के नेतृत्व में कलेक्टर ताराचंद मीणा से मिले। मीणा ने मंगलवार को नगर निगम आयुक्त हिम्मत सिंह बारट से जवाब तलब किया। कलेक्टर ने पूछा कि डंपिंग यार्ड में कचरा रोज क्यों चल रहा है। इस पर आयुक्त ने बताया कि हम सिर्फ कचरा डलवाते हैं, जलाते नहीं है। कचरा बीनने वाले कुछ लोग हैं जो डंपिंग यार्ड में कचरा जलाते हैं। इसके बाद कलेक्टर ने एसपी को फोन करके कचरा जलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने को कहा। क्षेत्रवासी आनंद यादव, जितेंद्र सालवी, भरत बेदी, हरजीत सिंह ने बताया कि अगर कचरा जलना बंद नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। क्षेत्रवासी बोले, इस प्रदूषित धुएं से हमारे बच्चों और बुजुर्गों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। कॉलोनी में 3-4 लोग तो अस्थमा पीड़ित है, जिनमें से एक की हालत बिगड़ने पर रात में हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। अगर किसी को कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार नगर निगम और UIT होंगे। वहां के अफसरों को हम कहते कहते थक गए हैं, लेकिन वे नहीं सुन रहे हैं। शहर में मंगलवार को पुष्य नक्षत्र को लेकर बाजारों में रौनक रही। ऑटोमोबाइल, ज्वेलरी और इलेक्ट्रिक क्षेत्र में 2 साल बाद फिर से रौनक लौटती नजर आई। दिवाली और धनतेरस से पूर्व पुष्य नक्षत्र की दस्तक से उम्मीद की जा रही है कि इस बार सालों का रिकॉर्ड टूटने वाला है। शहर में गहमा गहमी का माहौल रहा। लोगों ने गाड़ियां, ज्वेलरी और घरेलू सामान के लिए इलेक्ट्रॉनिक सामान की भरपूर खरीदारी की। बाजारों में चहल पहल रहने से लंबे समय तक चारों तरफ खुशियां ही खुशियां देखने को मिले। मेरा नाम विजेश भैया है, नाकोड़ा ज्वेलर्स मेरी शॉप है, बड़बूजा गाड़ी। कोरोना काल में जो आर्थिक नुकसान हुआ था उसकी सारी भरपाई अभी इस बूम ने कर दी है और बाजार में पूरा उत्साह है और मतलब लोग खरीदारी के लिए टूट पड़े हैं। नहीं, मार्केट ट्रेंड अभी एंटिक ज्वेलरी का है, तो सोना और चांदी दोनों में निवेश कर रहे हैं लोग, क्योंकि पिछले साल की तुलना में इस साल सोना सस्ता भी हुआ है, तो लोग उसमें अच्छी खरीदारी कर रहे हैं। सोना आ गया है लगभग 48,000 के आसपास, 22 कैरेट, तो मतलब पिछले साल जो था उसमें 50,000 के आसपास था,
और अभी 48 के आसपास है। नहीं नहीं, पूरे उत्साह के साथ पूरी पब्लिक आ रही है अभी बाज़ार में, और मार्केट में रौनक है इसकी वजह से, और मार्केट बूम से चल रहा है। सर मेरा नाम ललित जैन, श्री आदिना ज्वेलर्स शॉप है मेरी है। सर मेरा होलसेल काम है एक्चुअली, हमारा सब रिटेलर्स को माल जाता है, हमारा इटालियन सिल्वर, स्टर्लिंग सिल्वर 9 to 5 होलसेल हमारा काम है, और सारा माल हमारा यहाँ आसपास के एरिया में 200 किलोमीटर की रेंज में हमारा माल जाता है, और आसपास के जितने भी रिटेलर्स हैं हमसे सब डील करते हैं। सर फैसिलिटीज़ इन लाइक, जिसकी अच्छी गुडविल है उसको माल उधार भी मिल जाता है, उधार भी दे देते हैं, और काफ़ी पुराने ट्रस्ट करते हैं, और पुराना हमारा कस्टमर से चल रहा है। सर डिटेल जैसे हमारा इसे खतौनी मनाई जाती है, और लाइक अभी कोविड के बाद तो हमने काम इसमें भी थोड़ा सा कटौती की है उधार वगैरह में। कोविड के बाद में तो काफ़ी, जी सर कोविड के बाद में अब क्या है एक्चुअली मार्केट में चांदी का ऊपर नीचे उतार चढ़ाव वो ज़्यादा हो रहा है, इस कारण से क्या है कि एकदम भाव डाउन हो जाता है, तो लगभग पैसे देने में आगे पीछे हो जाते हैं। बिल्कुल कम हो गया है सर, 100% 70 के लमसम चांदी थी अभी, और अभी तकरीबन 57,000 आ गई है। तो अगर बिल्कुल सर उसका लॉस हमें उठाना ही पड़ता है, बिल्कुल लॉस उठाना पड़ता है सर, और त्यौहार में हमारे कटिंग भी होता है तो हमें वो लॉस हमारा लेना पड़ता है सर, और फिर उसके बाद में सर हमारा कस्टमर जुड़े होते हैं तो सर उनको ऐसे उधार देना पड़ता है, उससे हमारे ट्रांजेक्शन चलता है, लेन देन सर नहीं सर वो हम बिजनेसमैन को देते हैं सर, रिटेलर्स को उनकी गुडविल के अकॉर्डिंग सर हम उसको उधार देते हैं। जी सर यहाँ के जितने भी लोकल खरीदार होते हैं, जैसे व्यापारी जितने भी हैं, व्यापारी वर्ग, और आसपास के 200 किलोमीटर की रेंज में जितने भी आसपास के लाइक बांसवाड़ा, सागवाड़ा, सलूम्बर, आसपुर, साबला, यहाँ के लोगों को हम माल बेचते हैं, और डील होती है, हमारे टर्नओवर चलता है, टर्नओवर के बेस पे हम उधार भी देख लेते हैं। सर मार्केट अभी अच्छा चल रहा है, लगभग 4-6 महीने से स्लोप अच्छा चल रहा है, और भाव भी अभी डाउन हुए, इससे हमारे कटिंग भी अच्छा हो रहा है और काम भी अच्छा हो रहा है। दिवाली पर सर ऐसा है कि हमारे महीने भर पहले से काम चालू हो जाता है, और दिवाली के 4-5 दिन पहले हम फ्री हो जाते हैं। बिल्कुल 100% बिल्कुल सर अच्छा है, और दिवाली का संदेश तो यह है कि आप लोकल से परचेस करें, हम सभी संवाददाताओं से भी ऐसे बोलेंगे कि आप आगे कस्टमर को यही आप बताएं कि लोकल ख़रीदारी करें और ऑनलाइन परचेसिंग ना करें, और लोकल इज़ वोकल सर वही। उसके बाद में मार्केट खुलेंगे, मार्केट की रौनक लोगों से ही होगी, और जितनी ख़रीदारी लोकल से होगी उतना ही मार्केट का विकास भी होगा, और सबका साथ सबका विकास, मोदी जी भी ऐसे ही कहते हैं हमें। और सर ओके सर, अब हम थोड़ी चर्चा करते हैं पुष्य नक्षत्र को लेकर। ज्योतिष के अनुसार 27 नक्षत्रों के चक्र में 8वां नक्षत्र पुष्य होता है, इसलिए इसे नक्षत्रों का राजा कहा जाता है। इस नक्षत्र के देवता बृहस्पति और इसके स्वामी शनि हैं। पुष्य नक्षत्र का दिवाली से पहले आगमन बेहद बहुत शुभ होता है, इसमें किए गए कार्य फलदायी होते हैं। पुष्य नक्षत्र की वार से युति होने से गुरु पुष्य, रवि पुष्य, शनि पुष्य, बुध पुष्य जैसे महायोग बनते हैं। इस दौरान खरीदारी करना विशेष महत्व रखता है। ये योग मंगलवार को सुबह 4:25 से बुधवार की सुबह 7:02 तक रहेगा। मंगलवार को पुष्य नक्षत्र होने की वजह से इस दिन वर्धमान नाम का शुभ योग बना है। इसके साथ ही सिद्ध और साध्य नाम के 2 अन्य शुभ योग भी इस दिन बने हैं। नमस्कार, मेरा नाम हुसैन मुस्तफ़ा है, मैं रॉयल मोटर्स कंपनी हीरो मोटोकॉर्प से एड्रेस कर रहा हूँ। मार्केट अभी अच्छा है, पिछले साल से काफ़ी उठाव है, लास्ट ईयर काफ़ी कम हुआ था, पर इस बार बरसात भी अच्छी रही और फसल भी अच्छी रही, टूरिज्म भी उदयपुर में बहुत अच्छा है, तो सारे साइंस बहुत अच्छे हैं, स्टेबिलिटी है मार्केट में, सेविंग्स भी है लोगों के पास, तो वी आर ऑन अ ग्रोथ, लास्ट ईयर से अच्छा ग्रो कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि अभी कल गुरु नक्षत्र है, उसके बाद धनतेरस है 2 दिन का, सैटरडे संडे का, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार बंपर सेल होगी। इस बार जो कस्टमर का रुझान है वो मेजरली है, अब वैसे जो स्प्लेंडर हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड है तो वो अपनी जगह पर है स्ट्रॉन्ग सेल्स में, लेकिन उसके साथ साथ इस बार स्कूटर हमारे डेस्टिनी एक्सटेक जो है हमारा वो बहुत ही ज़्यादा डिमांड पर है। इवन इतना है कि सप्लाई में थोड़ा सा हमारे पास इशू आ रहा है, गाड़ियाँ कम हैं और डिमांड ज़्यादा है। उसके अलावा प्लेजर जो हमारा स्कूटर है वो भी नॉन स्टॉप सेल हो रहा है। 125cc इस बार बहुत अच्छा पिक हुआ है हमारा, सुपर स्प्लेंडर और ग्लैमर, ग्लैमर के अंदर जो नया एक्सटेक मॉडल आया है बहुत ही पॉपुलर है और बहुत ही अच्छा एक्सेप्टेंस है, कस्टमर उस पर अच्छा अपना विश्वास दिखा रहे हैं। और सुपर स्प्लेंडर हमारे पास कैनवस में नया एडिशन ऐड हुआ है, उसको भी कस्टमर ने इंस्टेंटली पसंद करना और एक्सेप्ट किया है।
प्रीमियम हम लोग अच्छा बेच रहे हैं, पैशन प्रो एक्सट्रिक भी हमारा बहुत अच्छा निकल रहा है। तो ऑल इन ऑल हमारे 5-6 मॉडल जो हैं वो इस बार ज़्यादा पिक कर रहे हैं, स्कूटर्स, ग्लैमर, एक्सटेक, सुपर स्प्लेंडर 125 cc, ये दोनों, और प्रीमियम और पैशन प्रो, ये हमारे बहुत अच्छे हैं। सर, इस बार ग्राहक आपसे उम्मीद लगा के बैठे हैं, इनको काफ़ी कुछ फैसिलिटीज आपके यहाँ पर मिलेगी, आप उनको किस तरह? हमारे बहुत अच्छे बम्पर ऑफर चल रहे हैं, एक GIFT हीरो का चल रहा है गिफ्ट, ग्रैंड इंडियन फेस्टिवल ऑफ ट्रस्ट। तो हीरो का जो ब्रांड है, जितने सालों से कंपनी जो है लोगों का भरोसा है, इतना नंबर वन ब्रांड है वो वर्ल्ड के अंदर, तो उसको ध्यान में रखते हुए स्कूटर पे 6,000 रुपये का ऑफर है, एक्चुअली डीलक्स सीरीज़ के ऊपर 4,000 रुपये का ऑफर है, प्रीमियम पे 5,000 का ऑफर है, ग्लैमर और बाकी गाड़ियों पे 2,000 से 3,000 रुपये का ऑफर है, 4,000 तक का ऑफर है। तो सारी रेंज पे कस्टमर को प्राइस बेनिफिट दे रखा है, ताकि आज इस समय गाड़ी लेने पर, कल से लेकर 4 दिन तक गाड़ी लेने पर उनको मैक्सिमम मिल सकता है। तो ये सिर्फ हीरो के अंदर ही मिल रहा है, और रॉयल मोटर्स पे हमारी पूरी टीम लगी हुई है। आज हमको करीबन 33 साल हो गए हैं रॉयल मोटर्स को जयपुर में, तो अपने आप में एक ब्रांड है, अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सभी उदयपुर वासियों से कि आप आएँ रॉयल मोटर्स पर, आएँ, अपनी पसंद की गाड़ी लें और एक्सपीरियंस करें हमारे शोरूम को और हमारी सर्विसेज को। बिल्कुल एडवांस डेली बुकिंग्स हो रही है हमारे पास, 3 डे बुकिंग्स है, लोग बुकिंग भी करवा रहे हैं, गाड़ी बिलिंग करवा रहे हैं और मुहूर्त को उठाएंगे, एवरी डे हमारे पास बुकिंग्स आ रही है। सर, दिवाली तक कितने व्हीकल्स आपके यहाँ निकलने की उम्मीद करते हैं? उम्मीद तो बहुत करते हैं, मेरे ख्याल से रॉयल पे एटलीस्ट इन 5 दिनों में 500 गाड़ी हो जानी चाहिए मिनिमम। मनामा पे भी हम लोग इतना ही सोच रहे हैं, रॉयल और मनामा दोनों एक ही शोरूम है बी एन कॉलेज के सामने वाले, तो 500 गाड़ी तो हम मिनिमम सोच रहे हैं मिनिमम। बाकी गाड़ियाँ बाकी सारे ब्रांड्स ही हैं, सब मिला के इंडस्ट्री तो काफ़ी बड़ी है उदयपुर में, बट यस, हीरो विल बी ऑन टॉप, हीरो इज ऑलवेज ऑन नंबर वन, रॉयल मनामा इज ऑलवेज ऑन नंबर वन, टॉप पे चल रहा है। मैं आप सभी लोगों को, उदयपुर अपडेट्स के सभी दर्शकों को दिल से, तहे दिल से दिवाली की शुभकामनाएं देता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग सेफ होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से दिवाली मनाएंगे, और हम चाहते हैं कि आप सेफ रहें, अपनी गाड़ी चलाएं, हेलमेट ज़रूर पहनें, रोड यातायात नियमों का पालन करें और सब लोग खुश रहें। थैंक यू। गुजरात के रखियाल क्षेत्र में गत दिनों पकड़ी गई शराब के मामले में 1,10,000 रुपए की रिश्वत के साथ पकड़े गए दोनों हेड कांस्टेबल को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। इस मामले में गुजरात के रखियाल थाने के SHO और एक अन्य की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। इस पर ACB की जांच जारी है। ACB स्पेशल यूनिट के CI रतन सिंह राजपुरोहित ने बताया कि मामले में अब तक की जांच और दोनों आरोपियों से पूछताछ में सामने आया है कि उन्होंने शराब कारोबारी बंशीलाल सुहालका और उसके मैनेजर किशोर सिंह का नाम शराब तस्करी के एक केस में हटाने की एवज में मांगी थी। शराब कारोबारी से संपर्क करने में एक निजी व्यक्ति देवीलाल ने भूमिका निभाई थी। रखियाल थाने के SHO की भी भूमिका संदिग्ध है, क्योंकि उनकी जानकारी के बिना दोनों कांस्टेबल उनका राज्य छोड़कर राजस्थान में कार्रवाई के लिए नहीं आ सकते हैं। रविवार को रखियाल थाने के हेड कांस्टेबल महेश भाई चौधरी एवं भरत भाई पटेल को रविवार को 1,10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों ने 2 महीने का वेतन नहीं मिलने से परेशान होकर प्रदर्शन किया। साथ ही वेतन के अलावा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिलने पर सरकार को 24 नवंबर तक का अल्टीमेटम दिया। प्रदर्शनकारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 1 घंटे का कार्य बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार के झिलमुल रवैये को लेकर नाराजगी जताते हुए दीपावली से पहले 21 सूत्रीय मांगों को पूरा करने की मांग पुरजोर तरीके से उठाई। अशोक सांखला, प्रदेश उपाध्यक्ष एसोसिएशन। आज रोडवेज में विभिन्न मांगों के तहत संघर्ष करना किया जा रहा है। 1 से 2 बजे तक कार्य बहिष्कार किया गया है। रोडवेज के पिछले 2 माह से कर्मचारियों को वेतन और पेंशन का भुगतान नहीं हो पाया है, एवं दीपावली पे बोनस की भी मांग की जा रही है। प्रतिवर्ष की भांति दीपावली से पहले रोडवेज के कर्मचारियों को बोनस का भुगतान भी किया जाना है, लेकिन राज्य सरकार की उदासीनता की वजह से रोडवेज के कर्मचारियों को वेतन पेंशन एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पिछले 8 माह से सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान नहीं हो पाया है। रोडवेज के कर्मचारियों द्वारा 21 सूत्रीय मांग पत्र राज्य सरकार को सौंप रखा है। उस 21 सूत्रीय मांग पत्र के संघर्ष के लिए 9 चरणों में रोडवेज के कर्मचारियों द्वारा संघर्ष किया जा रहा है। आज 4th चरण में
एक घंटे का, एक से दो का कार्य बहिष्कार है, इसी के तहत ये रोडवेज का चक्का जाम किया हुआ है। इसी तरह पांच तरह के संघर्ष और होंगे। अगर इन पांच संघर्षों में रोडवेज के कर्मचारियों की मांगे नहीं मानी गई तो 24 नवंबर को 24 घंटे का रोडवेज का चक्का जाम किया जाएगा एवं राज्य सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। धन्यवाद। दीपावली के दूसरे दिन होने वाली गोवर्धन पूजा इस बार तीसरे दिन होगी। दीपावली के अगले दिन 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण लगने से ये बदलाव देखने को मिलेगा। 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण भारतीय समय के अनुसार 2:28 से शाम 6:32 तक रहेगा। ऐसे में गोवर्धन की पूजा 25 अक्टूबर को नहीं बल्कि 26 अक्टूबर को होगी। इधर पुष्टि मार्गीय संप्रदाय की प्रधान पीठ नाथद्वारा में इस बार सूर्य ग्रहण होने से श्री जी मंदिर में अप्रस प्रणाली से दीपावली के 7 दिन बाद गोवर्धन पूजा, खेकरा व अन्नकूट लूटने की परंपरा निभाई जाएगी। श्री जी मंदिर के कार्यक्रमों के अनुसार 25 को रूप चतुर्दशी व दीपावली एक साथ होगी, जिसमें शाम को शयन दर्शन के उपरांत चौपड़ा पूजन, लक्ष्मी पूजन श्री कृष्ण भंडार में होगा। अगले दिन सूर्य ग्रहण होगा और 26 को अन्नकूट सेवा प्रारंभ होगी। 27 को श्री जी नगरी में यम द्वितीया यानी भाई दूज का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। 1 नवंबर गोपाष्टमी को श्री जी की गौशाला से गौमाताएं पहुंचेंगी तथा गौमाता की तिलकायत व युवराज विशाल बाबा द्वारा सेवा कर्मियों व ग्वाल बालों की मौजूदगी में कान जगाई की रस्म अदा की जाएगी। 2 नवंबर को मदन मोहन जी मंदिर में अन्नकूट महोत्सव तथा 6 नवंबर को घसियार मंदिर में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन होगा। निःशुल्क भोजन वितरण सेवा संस्थान महाराणा भोपाल चिकित्सालय के मुख्य गार्डन में आयोजित हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए समाज सेवी एडवोकेट निर्मल पंडित ने कहा कि ईश्वर कृपा के बिना मानव सेवा संभव नहीं है। ईश्वर चाहता है तभी वह मौका आपको देता है। संस्थापक अशोक पोखरा ने बताया कि कार्यक्रम में बीमारों के 750 जरूरतमंदों सहायकों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाया गया, जिसमें पूरी दाल और खिचड़ी के वितरण की व्यवस्था की गई। कार्यक्रम में एडवोकेट निर्मल पंडित को स्मृति चिन्ह देकर व उपरना उड़ाकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर निष्ठावान कार्यकर्ता केदारनाथ दाधीच का भी सम्मान किया गया। संस्थान के जिला अध्यक्ष सौरभ जैन ने बताया कि संस्थान रक्तदान, वस्त्रदान, अंतिम संस्कार सामग्री में मदद तथा वृद्ध जनों का सम्मान आदि कई प्रकल्पों पर कार्य करती है। इस अवसर पर संस्थान के सदस्य लोकेश जैन, पिंटू चौधरी, अभिषेक कुमार, गोपाल लोहार, मदन टेलर, राजू भाई, भगवत मेहता, सोनू सेन, रमेश सोनी, शुभम जीनगर, सोनू माली, केदारनाथ दाधीच, कमलेश सिकलीगर, पुरुषोत्तम लोहार, ओकारलाल लोहार, यशोदा देवी दर्जी, धीरज दर्जी, भगवान चुंडावत, भगवत मेहता, मोहन सिसोदिया, राजकुमार, मोनिका ट्रेलर, रंजना मुकेश कावड़िया आदि उपस्थित थे। संचालन सनत जोशी ने किया। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।